दोस्तों आपने अक्सर ये जरूर सुना होगा कि अगर कहीं बारिश हो रही है या कहीं बिजली कड़क रही है तो आपको फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। वेल, क्या वाकई में ऐसा होता है? क्या वाकई में अगर मैं किसी से फोन से बात कर रहा हूँ और बाहर बारिश हो रही है तो मुझ पर बिजली गिर सकती है? वेल, इन सभी चीजों को इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए, सबसे पहले समझिए, मोबाइल फोन होता है और जो बिजली कड़कती है वो दोनों बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है एक दूसरे से। अब ऐसा क्यों होता है? आप सपोज कीजिए, आप अगर किसी से बात कर रहे हो और बाहर बारिश हो रही है या बिजली कड़क रही है तो आपके ऊपर बिजली गिर जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि आप कहीं जंगल में जा रहे हो और किसी से फोन से बात कर रहे हो और आपके ऊपर कोई जानवर अटैक कर देता है। अब कोई भी एनिमल अटैक किया तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं फोन से किसी से बात कर रहा था इसलिए मुझे अटैक किया गया। ये दोनों बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं लग रहे ना। सेम ऐसे ही सप्लाई होता है इस बिजली और फोन वाले केस में। सबसे पहले समझिए कि आपके ऊपर बिजली क्यों गिरती है या बिजली कैसे कड़कती है। सबसे पहला जो उसका अपर पार्ट होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज कनेक्ट होती है, बॉटम साइड होता है उसमें नेगेटिव चार्ज स्टोर होती है। अब ये इतना ज्यादा स्टोर होने लगती ना कि एक टाइम आता है जब बादल उसे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाता और क्लाउड उसे सारे को रिलीज कर देती है। उसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों सारे कंबाइन होकर के बिजली कड़कती है और उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अब आते हैं पॉइंट पे, जो हमारा मेन सवाल है, क्या फोन से आपके ऊपर बिजली गिर सकती है या आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो आपके ऊपर बिजली गिर सकती है। देखिए, जो एक स्मार्टफोन होता है ना वो काफी लो पावर डिवाइस है, उसमें इतनी पावर नहीं होती कि आपके किसी लाइटनिंग को अट्रैक्ट कर सके, उसमें इतने मेटल नहीं लगे होते। तो इसका मतलब साफ है कि आपको फोन से तो बिजली गिरने से रहे, तो फिर ऐसा लोग कहते क्यों है कि आपके ऊपर बिजली गिर सकती है किसी फोन कॉल करते हुए? क्या रेडिएशन का कमाल है या नेटवर्क का कमाल है? देखिए, बात सिंपल सा समझिए, आप फोन यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो आपके ऊपर सेम प्रोबेबिलिटी रहेगी एक बिजली गिरने की, कि आप अगर बाहर जाते हो और कहीं लाइटनिंग हो रही है तब भी आपके ऊपर बिजली गिर सकती है आप फोन यूज करें या ना करें। हाँ, अगर हम बात करें किसी लैंडलाइन फोन की तो उससे आपको बिजली जरूर लग सकती है, आपके ऊपर बिजली जरूर गिर सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक लैंडलाइन फोन होता है वो वायर्ड कनेक्टेड होती है और वायर्ड कनेक्टेड होने के कारण लेट सपोज कि आपके आसपास वाले पोल में कहीं भी लाइटनिंग होती है तो उससे क्या होगा, क्योंकि वो वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड है तो आप तक जरूर आ सकती है। तो यही टोटल पूरा हिसाब किताब था कि एक फोन से आपके ऊपर बिजली गिर सकती है या नहीं। बिल्कुल भी गलत है, ये टोटल एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो सिंपली digitalbachar.in को सब्सक्राइब कर दीजिए।